वाराणसी अपने सांस्कृतिक विरासतों के लिए जानी जाती है और अल्हड़पन से भरे कई कार्यक्रम यहाँ संचालित होते रहते हैं। रविवार को भी हरिश्चंद्र घाट पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन का नाम भूतः कवि सम्मेलन था। इसमें आए कवियों को नर मुंड पहनाकर और कफन उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। काशी की यही बात इसे दूसरी जगहों से अलग करती है। सुनिए भूतः कवि सम्मेलन के कवियों को। एहसान धुर्त भाई का जो याद आ गया, एहसान धुर्त भाई का जो याद आ गया, हम भूल ही गए थे कि मरना भी है। मुझको है नाज, काशी में रहता हूँ दोस्तों, कुछ भी कहे जमाना मुझे ये गुमान है, शिव की जटा से निकली है कितनी महान है। मरने के बाद राख तो गंगा में मिल गई, मरने के बाद राख तो गंगा में मिल गई, चरणों में मैं समा गया ये मेरी शान है, चरणों में मैं समा गया ये मेरी शान है। श्मशान की तरफ से एक भूत आ रहा था, ठीक उसी रास्ते से एक नेता भी जा रहा था। नेता को देखकर भूत डर गया, कांपने लगा, पसीने से तर हो गया, हांफने लगा। तभी से वह छटपटा रहा है, हाथ पैर बराबर उठा रहा है, उसे तेज बुखार है, बेचारा भूत बुरी तरह से बीमार है। एक तांत्रिक बता रहा था, भूत के ऊपर कोई नेता सवार है। कवि सम्मेलन देखने के लिए हरिश्चंद्र घाट और आसपास के क्षेत्र से काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें महिलाओं की उपस्थिति भी अच्छी खासी तादाद में देखने को मिली। इसके अलावा बच्चे भी भूत प्रेत और बेतालों का मास्क पहनकर माहौल को सच में भूतहा बनाने की कोशिश करते दिखे। वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।